नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ म्यूकस प्लग। इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं म्यूकस प्लग निकलने के कितने दिनों के बाद डिलीवरी हो जाती है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि नॉर्मली डिलीवरी से पहले म्यूकस प्लग बाहर आता है, किसी किसी महिलाओं का डिलीवरी से जस्ट पहले बाहर आता है और किसी किसी महिलाओं को डिलीवरी से 2 वीक पहले भी बाहर आ जाता है, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि म्यूकस प्लग क्या है। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली आपको बाई डिस्चार्ज होता होगा, और दोस्तों नॉर्मली यदि आपकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है और ख़ास तौर से आपका आखिरी महीना चल रहा है, तो इस समय बहुत ज़्यादा वाई डिस्चार्ज होता है। तो वाई डिस्चार्ज केवल वाई डिस्चार्ज होता है, लेकिन म्यूकस प्लग में थोड़ा सा अंतर होता है। और अंतर ये होता है कि म्यूकस प्लग जैसा आपके नाक से म्यूकस निकलता है ना, उस टाइप का म्यूकस होता है। एंड ये पारदर्शी हो सकता है, सफ़ेद कलर का हो सकता है, और इसके साथ ही साथ क्या होगा, गुलाबी रंग की धारी लगी हुई आ सकती है, या फिर हल्का फुल्का ब्लड आ सकता है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि म्यूकस में जो है रेड कलर की धारियाँ आ सकती हैं, गुलाबी कलर की धारियाँ आ सकती हैं, ग्रीन कलर की धारी आ सकती है, ब्राउन कलर की धारी आ सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात कलर की। इसके अलावा क्या होता है कि म्यूकस प्लग जो है काफ़ी चिपचिपा होता है एंड यह काफ़ी चिकना भी होता है। तो दोस्तों आप म्यूकस प्लग के नाम से ही पता लगा सकते हैं कि म्यूकस प्लग एक प्लग या अवरोधक है। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय ग्रीवा की नलिका को अवरुद्ध करने के लिए म्यूकस प्लग गर्भाशय ग्रीवा या सर्वेक्स में बनता है और विकसित होता है। तो म्यूकस प्लग का काम होता है आपके गर्भाशय को जीवाणुओं से, विषाणुओं से, बैक्टीरिया से सुरक्षित रखना, जो कि नॉर्मली यौन गतिविधि के दौरान या फिर यौनि परीक्षण के दौरान भीतर प्रवेश कर सकते हैं। नॉर्मली आपको जो वाइट डिस्चार्ज होता है, जो म्यूकस बाहर आता है, वो बहुत सारे कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है, लेकिन म्यूकस प्लग में 2 गुने जीवाणुओं को नष्ट करने वाले गुण होते हैं। म्यूकस प्लग में मौजूद लाइसोजाइमस बैक्टीरिया की कोशिकाओं की दीवारों को नष्ट कर देते हैं। कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि म्यूकस प्लग आपके बच्चे की कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, रोगाणुओं से जो है सुरक्षा करते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि म्यूकस प्लग का निर्माण कैसे होता है। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही जब डिम गर्भाशय तक पहुंचने का रास्ता बनाता है, तो उस समय गर्भाशय ग्रीवा से होने वाले डिस्चार्ज और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स में वृद्धि से म्यूकस प्लग का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और म्यूकस प्लग आपकी प्रेगनेंसी के अंत तक आपके साथ रहता है। आपका जो बॉडी होता है म्यूकस प्लग को बनाने और ताज़ा रखने के लिए लगातार नए म्यूकस का इस्तेमाल करता है। और दोस्तों म्यूकस प्लग की एक बात यह होती है कि यह जब गर्भाशय ग्रीवा में रहता है तो यह काफ़ी गाढ़ा रहता है, लेकिन जब एक बार ये बाहर निकल जाता है तो यह काफ़ी पतला हो जाता है और अधिक तरल वाला हो जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो एक म्यूकस प्लग लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा या मात्रा में लगभग 1 ओज के करीब होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका बॉडी पूरे प्लग को एक बार में बाहर नहीं निकालता, तो म्यूकस प्लग की लंबाई और मात्रा थोड़ी कम भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। दोस्तों बात करते हैं कि म्यूकस प्लग कैसे निकलता है और क्यों निकलता है। दोस्तों एक बार जब बच्चा गर्भाशय को छोड़ देता है और नीचे पैल्विक क्षेत्र में आ जाता है, तब गर्भाशय ग्रीवा के खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि आपका सर्वेक्स खुलने लग जाता है। दोस्तों जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो आपका गर्भाशय ग्रीवा प्रसव के लिए परिपक्व होता है और नरम होता है, और जिस वजह से कि म्यूकस प्लग अपनी जगह पर टिक नहीं पाता और बाहर निकल जाता है। और गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले इन बदलावों के दौरान कोशिकाएं फट जाती हैं, जिसके कारण म्यूकस प्लग में गुलाबी रंग की धारियां भी देखने को मिलती हैं। आपका म्यूकस प्लग एक बार में ही बाहर आ सकता है, या फिर यह थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में बाहर आ सकता है। यदि यह आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि आपका म्यूकस प्लग थोड़ा थोड़ा करके बाहर आए, लेकिन यदि आपकी यह दूसरी प्रेगनेंसी है तो उस समय आपकी गर्भाशय ग्रीवा अधिक लचीली होती है, इस कारण से म्यूकस प्लग एक बार में ही बाहर आ जाता है या फिर थोड़े बहुत खून के साथ बाहर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं स्नान करती हैं, नहाती हैं, तो उस समय भी आपका म्यूकस प्लग बाहर निकल सकता है। इसके अलावा यदि आप पोटी कर रहे हो, सुसु कर रहे हो, तो उस समय भी आपका म्यूकस प्लग बाहर निकल सकता है, और कई बार महिलाओं को पता भी नहीं चल पाता कि उनका म्यूकस प्लग बाहर आ गया है। लेकिन यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो नॉर्मली आपको पता लग जाता है, क्योंकि यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर आता है, जो कि आप आराम से पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका म्यूकस प्लग बाहर कब आता है। आपको नॉर्मली पता ही होगा कि बेबी
भी प्रेगनेंसी के 37 वीक के बाद कभी भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो म्यूकस प्लग नॉर्मली आपका 37वें सप्ताह से 42वें सप्ताह के बीच बाहर आ सकता है, आपके ड्यू डेट से पहले भी आ सकता है और ड्यू डेट के बाद भी आ सकता है। और दोस्तों यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि म्यूकस प्लग आपकी प्रेगनेंसी से 1 सप्ताह पहले या फिर 2 सप्ताह पहले भी बाहर आ जाए। और यदि आपकी है सेकंड प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि डिलीवरी से 1 दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले भी आपका म्यूकस प्लग बाहर आ जाए। लेकिन यदि आपका म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका गर्भाशय ग्रीवा अब खुलेगा, यानी कि आपका सर्वेक्स अब खुलने वाला है और आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसका कोई समय निश्चित नहीं है लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होगी। और म्यूकस प्लग निकलने के बाद भी आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप उन बदलावों पर भी नज़र रखिए कि आपके साथ क्या क्या बदलाव हो रहा है। और म्यूकस प्लग बाहर आ गया है तो आप डिलीवरी के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों आई थिंक अब आप समझ ही गए होंगे कि म्यूकस प्लग बाहर निकलने का मतलब यही है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन इसका कोई निश्चित समय नहीं है। और यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो कुछ सप्ताह भी लग सकता है और कुछ दिन भी लग सकते हैं, लेकिन यदि आपकी सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो इसका मतलब यह है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, 1-2 दिन में या फिर कुछ घंटों के बाद भी। तो आई थिंक कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।